पुस्तक का नाम आर्थिक स्वावलंबन भाग एक ऑडियो थ्री। केवल आर्थिक लक्ष्य बनाकर स्वावलंबन आंदोलन न चलाएं। केवल आर्थिक लक्ष्य बनाकर आंदोलन चलाया गया तो ऋषि की धारा से भटक जाने का भय हर चरण पर बना रहेगा। जैसे प्रतिभा संपन्न लोग गरीबों को काम देने की बात तो कहेंगे, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य अन्य व्यावसायिक संस्थानों की तरह ही रहेगा। वे गरीबों की लाचारी का अधिक से अधिक फायदा उठाकर स्वयं अपनी संपन्नता बढ़ाने रहने की ही सोचेंगे। गरीबों की लाचारी दूर करके उन्हें अभाव से मुक्त करना उनके बूते संभव नहीं होगा। गरीबों श्रमशीलों की आय तो बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ी हुई आय की सदुपयोग की रीति नीति उन्हें सिखाने की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा। संपन्नता उन्हें व्यवसायी अहंकारी जमाखोर बनाकर अनिष्ट भी कर सकती है। हमें इन विसंगतियों विकृतियों से बचकर चलना है। हमारे उद्यम व्यावसायिक पारमार्थिक प्रकल्प कॉमर्शियल मिशनरी प्रोजेक्ट के तरह ही स्थापित विकसित और संचालित होने चाहिए। मिशन चाहता है ग्राम समाज का सांस्कृतिक आर्थिक स्वावलंबन। थर्ड, सफलता के आधार। हमारे आर्थिक स्वावलंबन आंदोलन के क्रम में समानांतर धाराएं चलनी जरूरी है। एक, प्रवृत्ति परक। दो, कौशल एवं संसाधन परक। कौशल संसाधन परक मार्गदर्शन के लिए अपने मिशन तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा मार्गदर्शन पुस्तकें तैयार की जा चुकी है। विभिन्न उद्योगों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भी सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रवृत्ति परक धारा अधिकांश लोगों के जेहन से उतरी रहती है, हमें उस पर विशेष ध्यान देना है। पंडित गुरुदेव द्वारा इस संदर्भ में दिए गए मार्गदर्शन का सारांश इस प्रकार है। एक, श्रमशीलता। दो, प्रामाणिकता। तीन, सहकारिता। श्रमशीलता यह मनुष्य के स्वास्थ्य और उद्यमिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके तीन पक्ष है। क, श्रम के प्रति गौरव का बोध, डिग्निटी ऑफ लेबर। जो व्यक्ति श्रम को हीन मानता है वह उद्यमी हो ही नहीं सकता। श्रम से बचने की प्रवृत्ति उसे आलसी रोगी कामचोर बना देगी, वह परावलंबी हो जाएगा। ख, श्रम करने की क्षमता, कैपेसिटी स्टेमिना। श्रम करने की क्षमता सतत अभ्यास से बढ़ती है। यदि वह क्षमता बढ़ाई नहीं गई तो व्यक्ति चाहते हुए भी स्पर्धा में टिक नहीं सकेगा, जल्दी थक जाने के कारण दौड़ में पिछड़ जाएगा। ग, श्रम की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी ऑफ लेबर। लोग लड़ाई झगड़े के लिए व्यसनों की पूर्ति के लिए बहुत श्रम करते देखे जाते हैं, लेकिन सृजन कार्यों की बात आते ही ऊबने या कतराने लगते हैं। सृजनशील श्रम की प्रवृत्ति उद्यमी के लिए अनिवार्य है। दो, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता के भी तीन पक्ष हैं। क, व्यक्तित्व की प्रामाणिकता। यदि उद्यमी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जनमान्यता गलत है, उसे स्वार्थी छली माना जाता है, तो उसके प्रति लोग अविश्वास ही रखेंगे। अविश्वास के रहते कोई भी कार्य पनपना कठिन हो जाता है। ख, उत्पाद की प्रामाणिकता। जो उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं गुणवत्ता एवं मूल्य की दृष्टि से प्रामाणिक सिद्ध होने चाहिए। जनता के इस कसौटी पर जो उत्पाद खड़ा सिद्ध नहीं होता वह चल नहीं पाता। गौ, व्यवस्था तंत्र की प्रामाणिकता। उद्यमी का तंत्र भी प्रामाणिक होना चाहिए। उसके दो पक्ष हैं। एक, नैतिक मोरल। दो, कानूनी लीगल। एक, नैतिक मोरल। नैतिक दृष्टि से सही उत्पाद, सही कीमत, लाभ का ठीक ठाक बंटवारा और परस्पर पारदर्शिता जरूरी है। दो, कानूनी लीगल। कानूनी दृष्टि से भी उत्पादन के अधिकार, बिक्री कर, आयकर आदि नियमों का ठीक प्रकार अनुपालन जरूरी होता है। कानूनी क्षेत्र में भावना या भोलेपन की कोई सुनवाई नहीं होती है। उन्हें तो हर बात के नियमानुसार लिखित प्रमाण की दरकार होती है। इसलिए यज्ञ भावना से जनसेवा की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयोगों में भी कानूनी खानापूरी उसी तत्परता से की जानी चाहिए जैसे विशुद्ध व्यावसायिक संस्थान करते हैं।
उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह अति आवश्यक है कि स्वावलंबन आंदोलन का तंत्र नैतिक व कानूनी मर्यादाओं की दृष्टि से भी प्रामाणिक बने। 4. बिकाऊ नहीं टिकाऊ प्रगति। हमारे स्वावलंबन आंदोलन को टिकाऊ प्रगति की मर्यादाओं का ध्यान में रखना चाहिए। आजकल के विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्र में भी टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। हमारा आंदोलन तो ऋषि प्रणीत है, इसलिए इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। टिकाऊ व्यवस्था का अति महत्वपूर्ण सूत्र है। जहां जन सामान्य के हित की रक्षा नहीं हो रही है, वहां वह क्रम टिकाऊ नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। अर्थात 14 लोकों पर किसी का शासन हो, फिर भी वह जनहित की उपेक्षा करके टिक नहीं सकता। अस्तु टिकाऊ स्वावलंबन तंत्र के लिए जरूरी है 1. केवल उद्यमियों की सफलता नहीं, क्षेत्रीय जन समाज के हितों को ध्यान में रखना। 2. जिन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास किया जा रहा है, उसी क्षेत्र के प्रतिभाशालियों को उसके लिए प्रेरित प्रशिक्षित किया जाए। बाहर से उत्साह वर्धन एवं प्रशिक्षण का कार्य तो किया भी जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष जिम्मेदारी क्षेत्रीय लोगों को संभालनी चाहिए। 3. क्षेत्र के कच्चे माल उत्पादों रॉ मटेरियल्स को पक्के उत्पादों में बदलने का तंत्र उसी क्षेत्र या निकटवर्ती क्षेत्र में किया जाए। 4. क्षेत्र की आवश्यकता की अधिकांश पूर्ति क्षेत्रीय उत्पादन से की जाए, जो बचे उसे भी बाहर बिकने भेजा जाए। जो अपने क्षेत्र में तैयार न हो सके, उसे ही बाहर से मंगवाया जाए। 5. उद्योगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रकृति के साथ यज्ञ मानसिकता से किया जाए। उक्त सूत्रों को ध्यान में रखकर स्थापित और संचालित की जाने वाली स्वावलंबी इकाइयां निश्चित रूप से लौकिक सफलता और पुण्य दिलाने वाली सिद्ध होगी। 5. आंदोलन के संचालन में सावधानी बरते, मर्यादाएं न तोड़े, प्रामाणिक बने रहे। समय की मांग और क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर गायत्री परिवार की तमाम इकाइयों ने कई प्रकार के कुटीर उत्पाद तथा जड़ी बूटियों एवं गौमूत्र आदि से औषधियां तैयार करने, उनका विपणन करने की व्यवस्था बनाई है। ऐसा करना अच्छा तो है, लेकिन साथ ही उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे उत्पादन व विपणन संबंधी कानूनी नियमों की आपूर्ति ठीक से करें, अन्यथा उन्हें कभी भी परेशानी में पड़ना पड़ सकता है। जैसे उत्पादन एवं विपणन का हिसाब ठीक से रखा जा रहा है या नहीं, बिक्री कर एवं आयकर संबंधी नियमों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, गौ आधारित या अन्य दवाओं के निर्माण के संदर्भ में फार्मेसी एक्ट के अनुसार पंजीयन रजिस्ट्रेशन कराया गया है या नहीं। मिशन की कई शाखाओं ने अपने अपने ढंग से रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, लेकिन बहुत से इकाइयों का ध्यान जानकारी के अभाव में इस ओर नहीं है। उन्हें इस दिशा में गंभीर होकर सोचना चाहिए और व्यवस्था बनानी चाहिए। किसी पंजीकृत इकाई के साथ संबद्धता एफिलिएशन लेकर अथवा स्वयं पंजीयन कराकर ही काम आगे बढ़ाना चाहिए। कई इकाइयां अपने उत्पादों पर शांति कुंज के तत्वाधान में का लेबल लगाकर शांति कुंज की प्रामाणिकता का अनुचित लाभ उठाना चाहती है, यह सर्वथा गलत है। तत्वाधान का अर्थ होता है अमुक संस्थान के समस्त नियंत्रण के अंतर्गत यह कार्य चल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि क्षेत्रीय उत्पादों की गुणवत्ता और कार्यशैली पर शांति कुंज का कोई नियंत्रण नहीं होता है। शांति कुंज में प्रशिक्षण लेकर या यहां से प्रकाशित फार्मूलों के अनुसार उत्पाद बनाने पर भी तत्वाधान का लेबल लगाना नैतिक एवं कानूनी दृष्टि से अनुचित है, ऐसा न करें। यदि कभी कोई समस्या खड़ी हुई तो ऐसा करने वाले को कानूनी नियमों के उल्लंघन के साथ जनता का भ्रम में रखने के आरोपों को भी झेलना पड़ सकता है। 2. गरीबी व उसका मूल कारण। गरीबी से तात्पर्य है वह आर्थिक तंगी, जो अखरे और जिसके बिना
जीवन निर्वाह में अड़चन पड़े। अपने देश में अधिकांश लोगों की ऐसी मनस्थिति और परिस्थिति है। भौतिक दृष्टि से इसके अनेक कारण हैं, जैसे पूंजी का अभाव, साधनों की कमी, परिस्थितियों की प्रतिकूलताएं, प्रकृति का असहयोग, भाग्य विधान, सहयोग देने वालों की अनुदारता, प्रतिस्पर्धा, विरोधियों का व्यवधान आदि। परंतु प्रमुख कारण दो ही हैं, अदक्षता, दूसरा रोजगारों को न मिलना। यदि इन दोनों का हल ढूंढ लिया जाए तो गरीबी हटाओ आंदोलन को अधिकांश सफलता मिली समझी जा सकती है। अन्यथा गरीबी के दबाव में व्यक्ति दिन दिन पिछड़ता जाएगा, अपनी उमंगों को भी गवा बैठेगा, जो उन्नतिशील स्तर पर पहुंचने की पृष्ठभूमि बनाती है। अदक्षता व उसकी गरीबी से संबंध। एक, अदक्षता मनुष्य की अपनी आंतरिक एक विशेष मौलिक क्षमता इनहेरेंट इनर पोटेंशियल होती है। अभ्यास के अभाव में उसको विकसित न किया जाना अदक्षता कहलाता है। इसे अपनी व्यवस्था, बुद्धि व कौशल को विकसित करने का अभाव भी कह सकते हैं। सामान्यतः लोग अर्थ सहयोग के अभाव को गरीबी का प्रमुख कारण समझते हैं। यह अनुचित नहीं है, परंतु अर्थ सहयोग मिलने पर भी अदक्षता के रहते हुए उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। दो, दक्षता की भूमिका तथा उसके अभाव में दुष्परिणाम। मनुष्य की सामर्थ्य असाधारण है। उसका पूरा उपयोग बन पड़ने पर निर्वाह की मौलिक आवश्यकताओं की कमी पड़ने जैसे दुर्घटना घटित नहीं हो सकती। पशु पक्षी सर्वदा साधन रहित होते हुए भी शरीर यात्रा की आवश्यक साधन सामग्री अपनी अविकसित संरचना के सहारे भी जुटा लेते हैं और क्रीड़ा कलोल करते, चहकते उछलते जिंदगी काट लेते हैं। पर मनुष्य ही क्यों दरिद्रता के चंगुल में जकड़ा रहता है? उसे ही अभावग्रस्तता के कारण पग पग पर अपने अरमानों को क्यों कुचलना पड़ता है? अभावजन्य कष्ट सहना उसके लिए भाग्य को अथवा जिस देश को दोष देते रहना एक बात है, और अपनी दक्षता एवं तत्परता को बढ़ाते हुए प्रगति का पथ प्रशस्त करना सर्वथा दूसरी। जिसमें चेतना जागृत होती है, उपाय खोजती है, अपनी श्रमशीलता व इच्छा शक्ति को जगाकर उसे आगे बढ़ने की दिशा में कुछ करने के लिए, कुछ बदलने के लिए बाधित करती है, उसके लिए मार्ग अवरुद्ध नहीं रह सकता। दरिद्रता उसके लिए अनिवार्य नियति बनकर नहीं रह सकती। अर्थ सहयोग अनुचित नहीं है, किंतु ध्यान यह भी रखा जाना चाहिए कि कुछ पा लेना एक बात है और उसका सही रीति नीति से सदुपयोग कर सकना सर्वथा दूसरी। यदि अभावजन्य असंतोष को न उभारा जा सका और गरीबी का मूल कारण अपनी दक्षता और व्यवस्था में कमी को दोषी न ठहराया जा सके तो पिछड़ेपन का समाधान संभव न हो सकेगा। बाहर से दी हुई सहायता, पिछड़ी प्रकृति के साथ जुड़े रहने वाले अनेकानेक छिद्रों में होकर वह बह जाएगी और फूटे घड़े में पानी टिक न सकने का उदाहरण बनेगी। मनुष्य की प्रगति का इतिहास बताता है कि गई गुजरी परिस्थिति में जन्मे हर मनस्वी को आगे बढ़ने का मार्ग इसी प्रकार मिला है। जो इसकी उपेक्षा करते रहे, साधनों के बाहुल्य को ही सब कुछ मानते रहे, वे दक्षता के अभाव में पूर्वजों की संचित संपदा को भी अपनी कुपात्रता के कारण गवाते हुए चले गए और राजा से रंक बन गए। भौतिक दृष्टि से दरिद्रता के अनेक कारण दिख सकते हैं। इतने पर भी इस तथ्य को पत्थर की लकीर की तरह मानकर चलना चाहिए कि दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण मनुष्य के अपने ही व्यक्तित्व के साथ घुला हुआ अवरोध मात्र है। अदक्ष, अनुत्साही, अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त व्यक्ति पिछड़ेपन से कदाचित ही कभी छुटकारा पा सके। अतः अर्थ सहयोग की तरह दारिद्रता से पीड़ित लोगों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि उनकी दक्षता और तत्परता में कमी किए रहने वाला स्वभाव ही उनकी खुशहाली में बाधक बनकर खड़ा है। तीन, अदक्षता के कारण।
अदक्षता के सबसे बड़े कारण है आलस्य और प्रमाद। आलस्य, शरीर को परिश्रम से दूर रखने की आदत आलस्य कहलाती है। आलस्य लोगों को अस्वस्थता एवं दरिद्रता घेरे रहती है। आलस्य से बढ़कर मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अभ्यास के अभाव में आलसी लोगों की दक्षता विकसित नहीं होती। प्रमाद, जो लोग उचित अनुचित का भेद नहीं करते, उपयुक्त अनुपयुक्त की परख करने का कष्ट नहीं उठाते और बुद्धि को वास्तविकता और वास्तविकता का विश्लेषण का बोझ नहीं उठाने देते, ऐसे लोग मानसिक आलसी कहलाते हैं। मानसिक दृष्टि से आलसी बने हुए व्यक्ति अपनी मौलिकता, विवेकशीलता, विशेषता एवं श्रेष्ठता खो बैठते हैं। एक प्रकार से वे पड़ोसियों के मानसिक गुलाम बन जाते हैं। आसपास के लोग जैसा कुछ अच्छा बुरा सोचते मानते हैं, उसी भीड़ धसान में उन्हें भी अपना गुजारा करना पड़ता है। कहते हैं, एक भेड़ जिधर चलती है उधर ही पीछे वाली भेड़ें भी चलने लगती है। आगे वाली भेड़ कुएं में गिरे तो पीछे वाले भी अगली का अनुकरण करते हुए कुएं खड्डे में गिरती चली जाती है। मानसिक दक्षता दासता एवं भौतिक आलस्य का यही चिन्ह है। प्रमाद एक प्रकार की अपंगता है जो प्रायः मनः क्षेत्र पर छाई रहती है। उस प्रमाद को क्या कहा जाए जो उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखना तक सहन नहीं करता और भाग्य के भरोसे किसी प्रकार जिंदगी के दिन काटते रहने की बात सोचकर अनिवार्य क्रियाशीलता न अपनाकर निष्क्रिय हो बैठता है। गरीबी से ग्रसित लोगों में से अधिकांश लोग मानसिक अवसाद के चंगुल में फंसे हुए होते हैं। छप्पर फाड़कर धन बरसने जैसे मीठे सपने उन्हें भले ही दिख जाते हों।